तो आज हमारे पास आया है MX1 और एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी नहीं, तीन गाड़ी नहीं, पूरा छह गाड़ी है और दो गाड़ी दुकान पे है, चार गाड़ी है पार्किंग के अंदर। यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे स्पॉइलर हमने लगाया है जो रहने वाला है पियानो ब्लैक और बिल्कुल रूफ रिल के साथ बिल्कुल मैचिंग कर रहा है। भाई साहब का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, कोई किसी भी चीज के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप ये भी लगा लो वो भी लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो मैंने बोला इन्होंने सारी एक्सेसरीज मुझे बता दी और जो मैंने रिकमेंड किया और मैंने देखा मुझे पसंद आया वही मैंने लगवाया और कुछ भी ऐसा सब कुछ जेन्युइन रहा है। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो सॉफ्ट टच किया गया है बिल्कुल और डबल स्टिचिंग के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीका से सॉफ्ट टच लगाया गया है। फ्रंट एड ऑन किट इसके अंदर लगाया गया है जो महिंद्रा का ओरिजिनल रहने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट। हेडलाइट में हमने लगाया 220 वॉट का LED जो रहने वाला है, दो साल की जिसकी गारंटी और बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट। सीट कवर देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त सीट कवर इसके अंदर हमने लगाया है जो देखेंगे बकर सीट कवर है और बिल्कुल देखेंगे अगर लेदर की बात करें बैरोन लेदर है, बैरोन लेदर बहुत जबरदस्त रहने वाला है। अगर ऊपर देखते हैं तो भैया रूफ हमने ब्लैक किया है, बिल्कुल वेलवेट और बर्फी डिजाइन के अंदर जबरदस्त रहने वाला, परफेक्ट रहने वाला है। इसका जो टच है बहुत जबरदस्त काम करता है तो आप लोग आराम से लगवा सकते हैं। और साथ में इसका जो फ्रेम है बिल्कुल पियानो ब्लैक, जो पीछे पियानो ब्लैक कंपनी दिया है महिंद्रा, उसी के साथ पूरा मैच करके पूरा पियानो ब्लैक इसका फ्रेम लगाया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कार कस्टम अल्टीमेट पे। तो आज हमारे पास आया है MX1 और एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी नहीं, तीन गाड़ी नहीं, पूरा छह गाड़ी है और दो गाड़ी दुकान पे है, चार गाड़ी है पार्किंग के अंदर। तो सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या काम हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MX1 है और बिल्कुल इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं, फोग लाइट तो खैर नहीं लगा रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इंटीरियर से लेकर के साउंड सिस्टम से लेकर के रूफ रील से लेकर के कनेक्टिंग लाइट हर एक चीज इसके अंदर हम लगा रहे हैं, ठीक है। और जो जो लगा रहे हैं महिंद्रा का बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स होगा। तो अंदर यहाँ पे देख सकते हैं हमने डायमंड 2K यहाँ पे लगा दिया है और देख सकते हैं पियानो ब्लैक फ्रेम है, पियानो ब्लैक फ्रेम के अंदर लगाया है, सीट कवर हमने लगाया है और यहाँ पे देखेंगे तो स्टीयरिंग कवर मून डिजाइन में इसके अंदर हमने लगाया है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो पियानो ब्लैक के अंदर जो लगाया गया है वो लगाया गया रूफ रील जो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और बैक साइड में आते पीछे आते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट यहाँ पे हम लगा चुके हैं जो रहने वाला महिंद्रा का जेन्युइन बिल्कुल और बढ़िया डिस्काउंट के साथ 30% डिस्काउंट के साथ इसके अंदर हमने लगाया है। तो और भी गाड़ी है पार्किंग के अंदर जिसके अंदर 360 कैमरा लग रहा है, काफी चीज लग रहा है साउंड सिस्टम से लेकर के हर एक चीज तक। तो सब गाड़ी आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं हम क्या क्या इस गाड़ी के अंदर काम कर रहे हैं बेस्ट टू टॉप में हर एक चीज में। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, सब गाड़ी का मॉडिफाई आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अपनी व्हाइट वाली जो बेस मॉडल MX1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और हर एक चीज जो जो लगाया गया इसके अंदर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अंदर सेट से लेकर के सीट कवर से लेकर के रूफ रील से लेकर के हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीका से लगाया गया है। तो फ्रंट से आप देख पाएंगे तो फ्रंट से इसमें फोग लाइट ओवर अपग्रेड नहीं किया गया है और हेडलाइट में LED भी हमने इसमें नहीं डाला है, लेकिन साथ में जो अपनी दूसरी कार है उसके अंदर सब कुछ किया गया है। फ्रंट से प्रोजेक्टर भी लगाया गया, LED भी डाला गया है। तो फ्रंट से ऐसा ही रहने वाला है। साइड प्रोफाइल में आते तो भैया साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको बिल कवर देखने को मिल जाएगा जो हमने लगाया डबल टोन के अंदर, डबल कलर के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और इसका जो रिम आता है ब्लैक आता है उस पर लगाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। उससे आगे आते हैं तो भैया देख सकते हैं रूफ रील लगाया गया है पियानो ब्लैक के अंदर और पेस्टिंग किया गया बहुत बढ़िया पेस्टिंग के साथ, इसको पेस्ट किया गया है सिलिकॉन प्लस इसके अंदर 3M का जो टेप लगा होता है दोनों के साथ इसके अंदर पेस्टिंग किया गया है। बैक साइड में आते हैं तो बैक साइड के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे देख पाएंगे आप यहाँ पे स्पॉइलर हमने लगाया है जो रहने वाला है पियानो ब्लैक और बिल्कुल रूफ रील के साथ बिल्कुल मैचिंग कर रहा है, सार कंटेनर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे। नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा बिल्कुल कनेक्टिंग लाइट जो हमने सर को लगा के दिया है 30% डिस्काउंट पे, तो बहुत बढ़िया परफेक्ट लगाया गया प्लग एंड प्ले और बिल्कुल महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स रहने वाला है। तो यही किया गया है एक्सटीरियर के अंदर, इंटीरियर में आपको दिखाते हैं इंटीरियर में हमने क्या क्या किया है और क्या क्या इसके अंदर लगाए हैं।
तो आ चुके हैं इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर के अंदर सबसे पहले हम आते हैं डोर पे भैया, और डोर पे मैं दिखाने जा रहा हूँ क्या क्या डोर के अंदर हमने लगाया। तो सबसे पहले इसके अंदर स्पीकर लगा है भैया, स्पीकर जो रहने वाला है आगे JBL का कंपोनेंट है, पीछे कोएक्सियल है। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो सॉफ्ट टच किया गया है बिल्कुल, और डबल स्टिचिंग के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीका से सॉफ्ट टच लगाया गया। साथ में देखेंगे भैया तो साथ में यहाँ पे पियानो ब्लैक लगा दिया गया आगे, जो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। तो पियानो ब्लैक आप लोग लगवा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सीट कवर में, सीट कवर सर ने बकेट नहीं करवाया है, ओरिजिनल स्टिचिंग कटवाया नहीं है, और बिल्कुल परफेक्ट से फिटिंग हो गया। वैसे आप बैठते हैं तो बैठेंगे तो बिल्कुल सेव इसका ले लेगा और बढ़िया फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो भैया आगे यहाँ पे देखेंगे नीचे 70 मैट है, और 70 मैट के नीचे बिल्कुल क्रोकोडाइल फ्लोरिंग इसके अंदर हम लगाए हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। गाड़ी में जैसे बैठ जाता हूं मैं, तो गाड़ी में आपको दिखाता हूं। एक तो यहाँ पे ओरिजिनल देख सकते हैं यहाँ से चाबी निकाल करके, और सेम टू सेम रिमोट जो आता है उसके अंदर हमने चाबी लगा दिया है ओरिजिनल की के साथ। देख सकते हैं यहाँ पे ये लगाया गया सेंटर लॉक, तो आप भी लगवा सकते हैं सेंटर लॉक, और बिल्कुल ओरिजिनल चाबी के साथ महिंद्रा का। तो यहाँ से साउंड सिस्टम जो जो हमने लगाया यहाँ पे वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो डायमंड 2K यहाँ पे सेट किया गया है यहाँ पे, और बिल्कुल परफेक्ट 10.5 इंच में लगाया गया है। साथ में यहाँ पे वॉल्यूम का भी बटन यहाँ पे नजर आ जाता है आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बढ़िया इसका जो टच है बहुत जबरदस्त काम करता है। तो आप लोग आराम से लगवा सकते हैं, और बिल्कुल प्लग एंड प्ले लगाया गया है। और साथ में इसका जो फ्रेम है बिल्कुल पियानो ब्लैक, जो पीछे पियानो ब्लैक कंपनी दिया है महिंद्रा, उसी के साथ पूरा मैच करके पूरा पियानो ब्लैक इसका फ्रेम लगाया गया है। साथ में आप बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे मून डिजाइन स्टीयरिंग कवर जो है वो लगाया गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीका से, स्टिचिंग के साथ बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे कंट्रोल की बात करें तो सिल्वर कंट्रोल लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली काम किया गया है। साथ में भैया को दो रिमोट भी यहाँ पे दिया गया है, ये रिमोट घर पे रख देंगे और यूज करेंगे, ये वाला जो चाबी लगा हुआ है चाबी यूज करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से आप लोग भी काम करवा सकते हैं यहाँ पे, कार कस्टम अल्टीमेट आ सकते हैं, सारा काम हो जाएगा परफेक्ट तरीका से। आइए और काम करवाइए, बढ़िया डिस्काउंट के साथ आपको काम करके दूंगा। तो आइए और बेस्ट काम करवाइए, चलते हैं पार्किंग में, जो गाड़ी है वो भी दिखाते हैं आप। तो गाड़ी का काम बिल्कुल कंप्लीट आपको हर एक चीज दिखा दिया गया है। हमारे साथ है सतीश भैया, तो सतीश भैया गाड़ी लेकर के आए थे नोएडा से काम करवाने के लिए, और सतीश भैया जो जो काम बोले थे वो टोटली काम कर दिया गया है गाड़ी के अंदर। तो सतीश भैया से पूछते हैं उनको काम कैसा लगा। तो सतीश भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आए कार कस्टम अल्टीमेट पे काम करवाने के लिए। तो जो जो काम आप बोले थे परफेक्ट तरीका से किया गया है, और बिल्कुल जो जो काम बोले थे वही काम किया गया है, और कुछ उल्टा सीधा काम नहीं किया गया इस गाड़ी के अंदर। भाई साहब का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, कोई किसी भी चीज के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप ये भी लगा लो वो भी लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो मैंने बोला इन्होंने सारी एक्सेसरीज मुझे बता दी, और जो मैंने रिकमेंड किया और मैंने देखा मुझे पसंद आया वही मैंने लगवाया, और कुछ भी ऐसा सब कुछ जेन्युइन रहा है। कनेक्टिंग लाइट वगैरह जो जो लगाया गया, रूफ रेल वगैरह बिल्कुल परफेक्ट लगाया गया, महिंद्रा का जेन्युइन पास लगाया गया, और बिल्कुल आपको डिस्काउंट भी दिया है हमने, 30% हर एक चीज पे हमने आपको दिया है, चाहे कनेक्टिंग लाइट हो चाहे रूफ डील हो, तो 30% सर हमने दिया है बिल्कुल डिस्काउंट। तो आप लोग भी आ सकते हैं और काम करवा सकते हैं कार कस्टम अल्टीमेट पे, बढ़िया डिस्काउंट के साथ बढ़िया काम होगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी, फिर चलते हैं पार्किंग के अंदर, और पार्किंग के अंदर और गाड़ी दिखाते हैं आप। जो अपना 3XO रहने वाली थी बेस मॉडल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, जो देख सकते हैं फ्रंट से सब कुछ लगाया गया इसके अंदर, जो जो इसके अंदर लग सकता है, और बिल्कुल देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हेडलाइट से, हेडलाइट में हमने लगाया 220 वाट का LED जो रहने वाला है 2 साल की, जिसकी गारंटी, और बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट, और उसका रोशनी भी देख सकते हैं इसका, जो बिल्कुल आपको बढ़िया रोशनी मिल जाता है। प्लस उसके नीचे हेडलाइट के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे IPH का प्रोजेक्टर लगाया गया है HD लेंस के साथ, यहाँ पे देखेंगे HD लेंस, और इसके अंदर हमने डाला है 140 वोल्ट का LED, जिसका रोशनी बहुत गजब है। अगर आपने ड्राइव करना है तो आप हेडलाइट बंद करके फोग लाइट पे आप गाड़ी चला सकते हैं, इतना बढ़िया रोशनी है इसके अंदर प्रोजेक्टर के अंदर, और बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट एड ऑन किट इसके अंदर लगाया गया है, जो महिंद्रा का ओरिजिनल रहने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट। ये पेस्टिंग के साथ इसमें पेंच भी लगता है भैया, यहाँ पे एक पेंच, यहाँ पे और साइड में 2 पेंच, टोटल 4 पेंच लगता है, प्लस 3M का पेस्टिंग भी इसके अंदर होता है, बिल्कुल काफी मजबूत होता है, और फ्रंट से बिल्कुल आपका जो बम्पर होता है उसको सेफ करके रखता है, मतलब कि कहीं कुछ लग जाए तो आपका पीछे वाला बम्पर होता है बिल्कुल कुछ उसको बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल सेफ रहेगा।
ठीक है, तो फ्रंट से यही किया गया है। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड प्रोफाइल में देखेंगे यहाँ पे व्हील कवर अपग्रेड नहीं किया गया, अलॉय भी नहीं लगाया गया है, लेकिन भैया को चाहिए था दूसरा व्हील कवर जो आज अवेलेबल नहीं था अपने पास, इस वजह से ऐसे ही रख दिया। भैया कह रहा है मैं शोरूम से ले लूंगा। टायर के ऊपर देखेंगे व्हील आर्च, व्हील आर्च लगाया गया, ये भी महिंद्रा का जेन्युइन रहने वाला है, लोकल नहीं है और रस्ट जंग वगैरह बिल्कुल इसके अंदर नहीं पकड़ेगा, बहुत जबरदस्त रहने वाला है। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो विंडो फ्रेम किट जो भी एबीएस प्लास्टिक के अंदर रहने वाला है, जो देख सकते हैं इस पे भी रस्ट जंग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि महिंद्रा 3XO के अंदर एबीएस प्लास्टिक के अंदर ही स्टैम्प जो भी क्रोम आ रहा है एबीएस प्लास्टिक के अंदर ही आ रहा है, स्टील का नहीं आ रहा है। स्टील का जो आता था एक्सयूवी 300 के आता था, जो 3XO का नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डोर वाइजर लगाया गया है, ये भी महिंद्रा का रहने वाला है और महिंद्रा का बैजिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो प्लास्टिक का एबीएस क्रोम इसके ऊपर लगा हुआ है, इसमें भी रस्ट जंग बिल्कुल नहीं पकड़ता, बिल्कुल परफेक्ट रहते भैया। साथ में ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे रूफ रील लगाया गया है, जो यहाँ पे आपको पीछे डायमंड वाली लोगो मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे पीछे देखेंगे टेल लाइट तो इसके ऊपर भी सेम टू सेम डायमंड वाली लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यही लोगो असली पहचान है 3XO की, ओरिजिनल लोगो है, आपको फ्रंट ग्रिल में भी मिल जाएगा, पीछे आपको यहाँ पे टेल लाइट भी मिल जाएगा, प्लस आपको रूफ रील के साथ आप अंदर गाड़ी में बैठेंगे तो फ्रंट में डैशबोर्ड में भी डायमंड का लोगो दिया हुआ है इसके साथ, ठीक है। पीछे की तरफ आते हैं भैया तो पीछे देखेंगे यहाँ पे एंटीना लगाया गया है, जो रहने वाला है जो ओरिजिनल MX3 के अंदर आता है वही एंटीना लगाया गया है, अब बिल्कुल पीछे से लेकर के आगे एंड्रॉयड तक इसका वायरिंग पहुंचा करके इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ताकि FM बहुत बढ़िया चले, कहीं से कोई दिक्कत ना आए। उससे आगे चलते हैं तो उससे आगे देख सकते हैं आप कनेक्टिंग लाइट जो लगाया गया महिंद्रा का जेन्युइन है, और बिल्कुल भैया को डिस्काउंट दिया गया है, 30% से भी ऊपर डिस्काउंट हमने भैया को दिया है, वैसे 8.5 का MRP होता है इसका, लेकिन 30% के बाद आपको ये पड़ता है 6,000 रुपये का, लेकिन भैया को हमने 5,500 रुपये का लगा करके दिया है। तो आप भी आ सकते हैं, मेरे से लगवा सकते हैं ओरिजिनल कनेक्टिंग लाइट महिंद्रा कार कस्टम अल्टीमेट पे, आइए और लगवाइए। उसके बाद रियर गार्ड लगाया गया, यहाँ पर रियर गार्ड देख सकते हैं ये अल्मीनियम का है और ब्लैक के अंदर लगाया गया है, इसमें स्टील का भी मिल जाएगा आपको और अल्मीनियम ब्लैक भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से आप कोई भी लगवा सकते हैं। तो ये है एक्सटीरियर का काम, चलते हैं धमाकेदार एंट्री करते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में हम दिखाते हैं जो जो काम किया है सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताते हैं। आ चुके हैं भैया इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर में सबसे पहले डोर पे आते हैं, मतलब डोर पे हम आपको दिखाते हैं, इसके अंदर हमने लगा दिया है एम्बियंस लाइट K3 लगाया है, और बटन भी साथ में है और आपके मोबाइल ऐप से भी चलने वाला है, तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, कलर ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सारा ऑप्शन आपको आपके मोबाइल में मिल जाता है। साथ में यहाँ पे सॉफ्ट टच लगाया गया, जो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चीज है, सॉफ्ट टच लगाया गया है, तो आप भी अपनी गाड़ी में सॉफ्ट टच करवा सकते हैं स्टिचिंग के साथ। उसके बाद स्पीकर जो लगाया गया इसके अंदर, आगे JBL का कंपोनेंट है और पीछे JBL का कोएक्सियल लगाया गया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बढ़िया आवाज के साथ। और नीचे की तरफ आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 3XO की बिल्कुल इसका प्लेट लगा हुआ है लाइट वाली, और बिल्कुल महिंद्रा का जेन्युइन रहने वाला है भैया, बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सीट कवर भैया देखेंगे तो सीट कवर जो लगाया गया इसके अंदर वो बकेट सीट कवर है, लेकिन बकेट भैया ने नहीं करवाया है, बकेट का फील आप पूरा ले सकते हैं इस सीट कवर में, बकेट सीट कवर है और थाई सपोर्ट के साथ है, तो इसको आप बकेट करवा सकते हैं भैया, ओरिजिनल सीट कवर नहीं उधरवाना चाहते थे, बकेट नहीं करवाना चाहते, तो उसी के ऊपर हमने कवर लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद भैया को हमने यहाँ पे देख सकते हैं नेकरेस्ट भी दिया है, तो बिल्कुल परफेक्ट, और बिल्कुल नेकरेस्ट का कोई चार्जेस भैया से हमने नहीं लिया है। गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं भैया तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे भी एम्बियंस लाइट K3 हमने इसके अंदर लगाया है, और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो स्टेयरिंग कवर मून डिजाइन के अंदर हम इसके अंदर लगा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम सेट पे आते हैं तो यहाँ पे लगाया भैया वर्ल्टेक का सेट, यहाँ पे देखेंगे इसका बॉडी जो है ना पीछे से बॉडी ये भी ब्लैक रहने वाला है, बॉडी जो है ना ब्लैक, डायमंड के अंदर क्या आता है सिल्वर आता है, लेकिन यहाँ पे आप ब्लैक वाला बॉडी मेरे से ले सकते हैं, पीछे से की तरफ पूरा ब्लैक मिल जाता है, तो ये फ्रेम जो ब्लैक होता है तो ये बॉडी भी फ्रेम के साथ पूरा मैच हो जाता है, तो आप ये ले सकते हैं, ये लगवा सकते हैं, वर्ल्टेक का है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आप लगवा सकते हैं, चलने में बिल्कुल फास्ट है, चलने में बिल्कुल फास्ट है, देख सकते हैं, और 360 सपोर्ट है इसके अंदर, आप 360 कैमरा जब मन चाहे आप लगवा सकते हैं, वैसे इस गाड़ी में सिंगल कैमरा लगा है, लेकिन आप 360 कैमरा जब मर्जी चाहे आपका मन करे 360 यूज करना है मुझे तो इस सेट के अंदर आप 360 कैमरा लगवा सकते हैं,
चारों तरफ का व्यू दिखाएगा 360 कैमरा के साथ। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग किया गया है, और साथ में जो फ्रेम लगाया गया भैया वो पियानो ब्लैक लगाया गया इसके अंदर। तो अब हम पियानो ब्लैक ही लगाते हैं, तो पियानो ब्लैक का फ्रेम लगवा सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त रहने वाला है हर एक चीज, वॉल्यूम से लेकर के परफेक्ट, बहुत बढ़िया चीज है, वॉलटेक का सेट है, बहुत जबरदस्त है। और नॉर्मल जो और डायमंड 2 क्या आता है उससे बिल्कुल स्लिम सेट में आता है, बिल्कुल पतला था तो पतला सा रहता है। तो आप लोग आकर के लगवा सकते हैं और काम करवा सकते हैं कार कस्टम अल्टीमेट पे, तो बढ़िया डिस्काउंट के साथ बढ़िया काम करवाइए, यही काम किया गया इस गाड़ी में। वैसे एक और गाड़ी है, वो भी गाड़ी हम दिखाने वाले हैं आपको, तो चलते हैं अपने क्लाइंट के पास, उनसे रिव्यू लेते हैं उनको काम कैसा लगा। तो जो जो बोला आपने वो हमने करके दिया, तो जो जो काम करके दिया आपको कैसा लगा काम? काम बहुत अच्छा है, और अगर मैं रेट करूं 5 में से तो आई विल रेट 4.5 बस उस डिले के लिए जो मेरे को पूरे दिन वेट करना पड़ा है। बाकी भैया की प्राइसिंग बहुत अच्छी है, भैया का बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, और भैया पूरे दिन काम सही से कराते हैं। और दूसरी बात, जो दो तीन चीजें डिले हुई है वो इस वजह से ही हुई है क्योंकि मैंने एक दिन पहले उनको लिस्ट नहीं दी थी, अगर मैंने वो दे दी होती तो शायद मंगा के रखते, बिल्कुल विच इज गुड। और सुधांशु भैया थोड़ा सा लेट इस वजह से भी हो गया, आज संडे का दिन था, थोड़ा सा बिजी था और गाड़ी भी थोड़ा सा ज्यादा आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आइएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लबीब भैया साथ में, लबीब भैया आपको काम कैसा लगा जो जो हमने सेटअप करके दिया है गाड़ी में? काम बहुत अच्छा है और प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, ठीक है। तो सुधांशु भैया जो जो MRP जो हम बोलते हैं 30% डिस्काउंट हम आपको देंगे, तो आपने खुद 30% डिस्काउंट किया मोबाइल में जोर जोर के वो हम आपको दिए? एग्जैक्टली, मैं इसी पर्सपेक्टिव से आया था कि मैं खुद से कैलकुलेट करके देखूंगा सारी चीजों को, मैंने वही किया और उससे कम ही डिस्काउंट, उससे ज्यादा ही डिस्काउंट था, इनफैक्ट उससे कम प्राइसेस थे मोस्ट ऑफ द थिंग्स में। जैसे कि कनेक्टिंग लाइट की अगर बात करते हैं तो कनेक्टिंग लाइट इसके अंदर हमने लगाया तो 8500 का MRP आता है महिंद्रा से, ठीक है सर। तो 30% अगर आपने उसको डिस्काउंट किया तो 59 के आसपास प्राइस रहता है, लेकिन हमने आपको 5500 का दिया, उससे भी ज्यादा डिस्काउंट में दिया। तो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड इतने सारे फ्रेंड से तो आप है ही, और भी गाड़ी जैसे होता है तो आप रिकमेंडेड कार कस्टम अल्टीमेट के लिए करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सुधांशु भैया ग्रुप बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे आसपास में जितना देख रहे सब सुधांशु भैया का यार दोस्त है सब, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु भैया, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बना रहे, प्यार बना रहे। लबीब भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिए, और जो भी काम बचा है नेक्स्ट वीक आपको फोन कर, मैं कल ही फोन करूंगा और नेक्स्ट वीक आकर के आप सारा काम करवा लीजिए, मैं रिव्यू भी डालूंगा गूगल पे, पढ़ना आप लोग, ठीक है, कि इन्होंने मुझे फोन किया है नहीं किया, जो कि करेंगे मुझे भरोसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लबीब भैया, सुधांशु भैया, बाकी ऑल ओवर जितने भी फ्रेंड है सबको बहुत बहुत धन्यवाद आए काम करवाने के लिए, और ऐसे ही मॉडिफाई ऐसे ही गाड़ी के साथ 3XO के साथ बेस्ट ऐसे ही द्वारा आपको करके ऐसे ही वीडियो दिखाऊंगा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो अपने पास जो मॉडिफाई हुआ था XUV 3XO महिंद्रा की, उसके साथ एक और गाड़ी जुड़ चुकी थी अपनी निशान की मैग्नेट XC मॉडल बेस मॉडल, जो भाई साहब लेकर के आए हैं बठिंडा से पंजाब से काम करवाने के लिए कार कस्टम अल्टीमेट पे। तो पूरी कार बिल्कुल कंप्लीट है और भैया ने क्या क्या करवाया है, तो ये मैग्नेट जो अपनी बेस मॉडल है फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको फ्रंट से ये ग्रिल देखेंगे पियानो ब्लैक में, बहुत ही लुक बढ़िया एनहांस कर जाता है पियानो ब्लैक, इसमें मैट ब्लैक भी मिल जाएगा पियानो ब्लैक भी है, साथ में आप हेड लाइट में देखें तो LED है, साथ में नीचे देखेंगे तो फोग लाइट है। LCF DRL नहीं लगा है, लेकिन LCF DRL सर को हम भेज देंगे, कोरियर कर देंगे, सर लगवा लेगा, ठीक है। साथ में अगर हम साइड प्रोफाइल में जाते हैं भैया, तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे लोअर गार्निश लगाया गया, जो तो आप देख सकते हैं लोअर गार्निश लगाया गया है, और बिल्कुल ऊपर देखेंगे छत पर तो सार कंटीना लगाया गया है। बैक साइड में आते हैं भैया, तो बैक साइड में यहाँ पे ट्रे डाला गया है अंदर, इजी शिफ्ट गाड़ी है और ट्रे डाला गया है इसके अंदर, और अंदर की बात करें तो बहुत बढ़िया जो कलर है इसका, बहुत बढ़िया चेरी कलर के अंदर जो मेहरून कलर होता है उसके अंदर हमने सीट कवर रेडी किया है। तो अंदर आ चुके हैं, अंदर देख सकते हैं, जैसे कि डोर पे देखेंगे तो यहाँ पे एम्बियंस लाइट लगाया गया है भैया, और इसमें स्पीकर की बात करें तो ब्लोपंक का स्पीकर आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल लगाया गया है, साथ में यहाँ पे मैग्नेट का यहाँ पे वेलकम लाइट लगाया गया। सीट कवर देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त सीट कवर इसके अंदर हमने लगाया है, जो देखेंगे बकेट सीट कवर है, और बिल्कुल देखेंगे अगर लेदर की बात करें बैरोन लेदर है, बैरोन लेदर बहुत जबरदस्त रहने वाला है, और गर्मी में बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट चीज है। तो आप लोग भी लगवा सकते हैं, बहुत ही मतलब सॉफ्ट में लेदर है, और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे डायमंड 2K लगाया गया है, और स्टीयरिंग पे भी मून डिजाइन किया गया है ब्लैक एंड
मैरून कलर की, मतलब की चेरी कलर की, तो आप लोग भी करवा सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम लगाया गया डायमंड 2 के, बहुत बढ़िया है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 70 मैट सर की गाड़ी में हमने लगा दिया है। अगर ऊपर देखते हैं तो भैया रूफ हमने ब्लैक किया है, बिल्कुल वेलवेट और बर्फी डिजाइन के अंदर जबरदस्त रहने वाला, परफेक्ट रहने वाला है। तो कैसा लगा गाड़ी जरूर बताइए, क्योंकि ये गाड़ी जो है मैग्नेट अपनी महिंद्रा थ्री एक्सओ के साथ आपको दिखाया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। तो दोनों गाड़ी आपके पास, कोई भी गाड़ी हो तो आप लेकर के आ सकते हैं कार कस्टम अल्टीमेट पे।